कौन? 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म, सर्वपुरुष, सर्वब्रह्म, जिसमें जिसके लोक में हम रह रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16 में कहा है, दो पुरुष, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष जो इसको परब्रह्म भी बोलते हैं, ये सात शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। नील पद्म शंख, ये सात शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। इसकी आयु बहुत ज्यादा है, जिस कारण से इसको अक्षर पुरुष कहने लगे, लेकिन वास्तव में ये अक्षर पुरुष नहीं है। ये चिर स्थाई है लेकिन अविनाशी नहीं है। और तीसरे नंबर का जो परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि गीता ज्ञान दाता से कि हे प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस ब्रह्म को जानकर आध्यात्मिक, पूरे आध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति फिर जरा और मन से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो गीता में अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। इति सिद्धम के वो गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य परमेश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में अपने बारे में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर, इससे तो मुझे प्राप्त होगा। अपने मंत्र की जानकारी बताते हुए कहते 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अर्जुन, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का, ओम यह एक अक्षर है, उच्चारण करके स्मरण करता हुआ यह प्रियाति तो जंदे हम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम के जाप से मिलने वाला जो लाभ है उस सतर की परम गति को प्राप्त होता है। यदि ब्रह्म की साधना ओम मंत्र से है, ओम का जाप, ब्रह्म का जाप करने वाला साधक ब्रह्म लोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी ये सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं, इनकी जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। अब गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी, उसकी जानकारी 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित वाणी में विस्तार से कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी देंगे। फिर बताया है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, उस सचिदानंद घन ब्रह्म की साधना, उसके पाने का मंत्र, उसके पाने की विधि ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्मणे त्रिविद समर्थ है। ओम तत् सत इस मंत्र का निर्देश माने फाइनल फैसला है, नथिंग एल्स। ब्रह्मणे यानी सचिदानंद घन ब्रह्म का ये ओम तत्सत नाम है, मंत्र है, और त्रिविध समर्थ है, इसको 3 प्रकार से इसका सिमरण होता है। जिन पुण्यात्माओं को सारनाम प्राप्त हो गया है उनको इन 3 मंत्रों की जानकारी है,
और उनका सिमरन विधि भी तीन ही प्रकार से होती है। गीता ज्ञानदाता आठवें अध्याय के पांच और सात में तो अपने विषय में बता रहा है कि मेरी साधना करेगा वो ओम नाम से तो मुझे प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर आठ के श्लोक नंबर आठ नौ दस में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म देव परम पुरुष के बारे में जानकारी दी है कि उसकी भक्ति यदि करेगा, उस परम संत से जानकारी लेकर, तत्वदर्शी संत से जानकारी लेकर, और वो तीन मंत्र का जाप बतावेगा। ओम तो ये ब्रह्म का है और तत् ये परब्रह्म कहो अक्षर पुरुष कहो उसका है, और सत ये सांकेतिक है, तत् भी सांकेतिक है, सीधा मंत्र नहीं है, गुप्त है। और वो सत जो है वो परम अक्षर ब्रह्म का जाप है, वो गुप्त है, सांकेतिक है। वो ये दास ही बताओगा क्योंकि वो तत्वदर्शी संत ही उसकी वे ऑफ वर्शिप बता सकता है। ये गीता जी भी प्रमाण देते हैं और पवित्र वेद भी बताते हैं। तो ओम तत् सत इसकी तीन प्रकार से सिमरण होता है। तो आठवें अध्याय के गीता जी में आठ नौ दस मंत्र में कहा है कि उस परमात्मा की जो भक्ति करता है, जो सबका संचालक है, सबका उत्पत्ति करता है, सूर्य के सदृश जो तेजो में है, सूर्य के सदृश आदित्य वर्णम, अपुनात्मा भगवान को निराकार बतावें और सूर्य के समान फिर वो तेजो में बतावें और कहें भगवान का प्रकाश देखा, भगवान नहीं देखा जा सकता। अब सूर्य बिना प्रकाश किसका देखा, जब सूर्य के तुल साकार हुआ वो, तो इस प्रकार ये अज्ञान की अविद्या की गांठ बंध गई थी सबके हृदय में, परमात्मा ने दया करी, अपनी पुण्य आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान दिया। तो गीता ज्ञान दाता कहता उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करने वाला उस परमात्मा को भक्ति की शक्ति से प्राप्त होगा, भक्ति बल से, यानी साधना की कमाई तय उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर आठ के श्लोक नंबर छः में कहा कि एक विधान है ये कि अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, अंत समय में भी वो उसी से प्रभावित और उसी में आसक्त रहता है। अब यदि मेरी भक्ति करेगा तो मेरे में आसक्त रहेगा, मुझे ही प्राप्त होगा। जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। और उस परमात्मा की भक्ति करेंगे तो उसमें आस्था रहेगी तो उसको प्राप्त हो जाएंगे। जब हमारा हृदय यहाँ से कति हट जाएगा, इस ज्ञान आधार से हमें यह पता लग जाएगा कि ब्रह्म और परब्रह्म की साधना से हमारा ये दीर्घ रोग नाश नहीं हो सकता जन्म और मृत्यु का। अब इन भगवानों की किस प्रकार ये नाशवान है, इनको अविनाशी कहकर भी ये नाशवान बताए गए हैं। सर्व पुरुष को, अक्षर पुरुष को इसको डिफाइन करते हैं। जैसे एक ये मिट्टी का कप होता है, प्याला चाय पीने का, अब इसका तो सबको पता है, अंडरस्टूड है कि हाथ में से छूट गया और पक्के फर्श पर गिर गया, टुकड़े पांच हो जाएंगे, यानी ये तो सर्वपुरुष समझ लो। ऐसी स्थिति तो इस मटेरियल की समझो जो ब्रह्म और इसके अंतर्गत प्राणी है। और दूसरा जो अक्षर पुरुष है, अक्षर माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, सत्संग ब्रह्मांड का स्वामी, इसको समझो ये स्टील का कप है, स्टील का प्याला है। अब स्टील का कप अगर हाथ से गिर जाता, यदि पक्के फर्श पर टूटता नहीं, वो यूं का यूं रह जाता है, लेकिन उसका भी विनाश होता है, समय अधिक लगता है और एक समय आने पर उसमें जंग लगकर वो
डिस्ट्रॉय हो जाता है, विनाश होता है, लेकिन वो समय बहुत घना, उस मिट्टी के कप जिसको चीनी का कप बोल रहे हैं उसकी तुलना में वो स्टील का कप चिर स्थाई है, अविनाशी महसूस होता है लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं है। और सोने का कप, एक सोने का कप हो उसको जंग नहीं लगता, वो चिर स्थाई, वो वास्तव में अविनाशी है। तो ये स्थिति फॉर एग्जाम्पल है। अब इनकी आयु से परिचित कराते हैं। जैसे ब्रह्मा जी रजगुण काल का पुत्र, ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी ये तीनों नाशवान हैं। पुणात्मा पवित्र हिंदू समाज के गले या बात जल्दी से उतरती नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, लेकिन ये गले उतारनी पड़ेगी और उसके लिए हमने वो क्या करना शुगर कोटेड ये टेबलेट बना रखी है। अभी दिखाते हैं। अब सबसे पहले तो ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों नाशवान हैं, फिर बाकी भगवानों को किस अतिथि समझने में कोई भी समस्या प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिएगा श्री देवी भागवत, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर हैं। इसके 123 पृष्ठ पर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं और इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये तीसरा स्कंद वही देवी भागवत। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में उसकी महिमा गा रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सब सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ब्रह्मा विष्णु और शंकर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमारा आविर्भाव मन जन्म तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, वह प्रकृति और सनातनी देवी है। ये भी याद रखना कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये गीता जी के 14वें अध्याय में जब इनकी उत्पत्ति दिखाएंगे आपको समझ में आओगी। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा इसमें चार कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि ये दुर्गा इनकी माता है, ये इनके इसके पुत्र हैं। और तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि ये नियमित कार्य करने में तत्पर रहते हैं, वर्क डन ही दे सकते हैं, ये दुखी को सुखी नहीं कर सकते, ये किसी प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। अब समझिएगा इनकी आयु। श्री ब्रह्मा जी की आयु ऐसे है जैसे चार युग की एक चतुर्युगी होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसमें 43,20,000 वर्ष हैं एक चतुर्युगी में। और ब्रह्मा जी की का एक दिन 1,000 चतुर्युग का माना जाता है, वैसे यो 1,008 चतुर्युग का है, लेकिन इतनी लंबी पीरियड हो गया इसमें लंपसंप ले लेते हैं। 1,000 चतुर्युग का दिन इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का एक महीना,